हे गाइस, वेलकम टू द बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने मोबाइल से कीबोर्ड सेट कैसे करें, यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पे कीबोर्ड सेटिंग कैसे करें और कीबोर्ड से होता क्या है। दोस्तों, मैं आपके इसके फ़ायदे भी बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। देन बेल आइकन को अभी तक आप प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में दोस्तों ऑल पे क्लिक कर दें, इसमें आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि 3 डॉट का यहाँ पे निशान देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, अपने यहाँ से डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना है, ओके। यहाँ पे जो मार्क वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मार्क लगा देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको यूट्यूब शो हो रहा है तो यूट्यूब पे क्लिक कर सर्च कर लेना, नहीं हो रहा है तो सर जरूर कर लेना। जैसे कि मेरे पे यहाँ पे शो हो रहा है तो सिंपली मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली ओपन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करना क्या, आपको थोड़ा वेट कर लेना है। ये जो है आपका गाइस, जैसे कि लैपटॉप में ओपन होता है, वीडियोस वगैरह देखते रहते हो, वैसे यहाँ पे आपके मोबाइल में डेस्कटॉप साइड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे ओपन हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, अभी करना क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो का गाइस फुल वॉच कर लेना। ये वीडियो जो है, बहुत सारे ऐसे हमारे यूट्यूबर भाई लोग हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि कीवर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लेना। तो सिंपली गाइस, आपको करना क्या, आप यहाँ पे जो देख रहे हो, यानी कि आपका जो आइकन होगा क्रोम, मतलब कि जैसे जीमेल का जो आइकन होता है, वो जो डाले होगे उस आइकन पे अपने क्लिक कर लेना है। जैसे कि मेरा नेम शो हो रहा है तो सिंपली मैं यहाँ पे नेम पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपली करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिंपली हमें करना क्या है, यूट्यूब स्टूडियो यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है अपना यूट्यूब स्टूडियो पे, ठीक है। तो आपको भी यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा लोडिंग लेगा गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस, करना क्या है मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर फुल वॉच कर लेना। सिंपली गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो, अगर फर्स्ट बार अगर आप लॉगिन करते हो क्रोम ब्राउजर के साथ में, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस, करना क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे की ओर यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैंने मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे कर लेना है क्लिक। तो जैसे दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे चैनल देख सकते हो कि आपके सामने चैनल शो हो रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है चैनल पे। तो गाइस, जैसे चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुके हैं। सिंपली हमें करना क्या है, हमें सेट करना है कीवर्ड्स, ओके। तो गाइस, सिंपली आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स वाले ऑप्शन हैं, इस पर आपको कर लेना है क्लिक। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम कर लेते हैं क्लिक। उससे पहले गाइस, यहाँ पे इसके ऊपर जो कंट्री सेलेक्ट करने का दिया था, आप उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद गाइस, यहाँ पे कीवर्ड पे हम कर लेते हैं क्लिक। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कीवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट कैसे करना है गाइस, वो आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे कि गाइस, मेरा जो चैनल है ऑल सोशल ट्रिक है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे, जैसे कि मान लो ऑल सोशल ट्रिक है, तो सिंपली यहाँ से मैं पहला ऑल डाल लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, एंटर जो होता है, जैसे कि हमारे लैपटॉप में होता है एंटर, तो और जो मोबाइल का स्क्रीन होता है वहाँ पे जो स्पेस वाला होता नहीं है, जैसे हम एंटर करते नीचे की ओर आते हैं, तो उस पर कर देना है, ओके। उसके बाद सिंपली ऑल पे जैसे डाल दिया, देन सोशल लिख दिया, उसके बाद एंटर कर लिया, फिर ट्रिक लिख दिया, तो ऐसे करके, यानी कि ऐसा आपको टाइप करना है यहाँ पे, जो हमारा यूट्यूब का URL होता है, जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं वीडियोस, उस पर सर्च आ जाए कि आपका ये चैनल है, इस नाम से चैनल है आपका। अगर सर्च नहीं आ रहा है तो आपका सर्च बार में आ जाएगा। इससे ये फ़ायदे होते हैं, जैसे गाइस, अगर आपका कोई चैनल सर्च कर रहा है तो आपका जो सर्च बार पे नहीं आता है, कीवर्ड सेट करने से आपका जो सर्च बार में चैनल आने लगेगा। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड का खास बात, आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे। तो जैसे कि गाइस, अभी कभी कभी देखते होंगे कि हमारा अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, अगर हम सर्च करते हैं तो हमारा जो चैनल रहता है यूट्यूब सर्च करने के बाद भी नहीं आता है, तो उसके रीज़न यही होते हैं कि हम लोग गाइस अपने यूट्यूब चैनल पे कीवर्ड सेट नहीं करते हैं। तो गाइस, इस वजह से हमारा जो रहता है यूट्यूब चैनल, वो सर्च बार में नहीं आता है। अगर आप हम यहाँ से कीवर्ड सेट कर देते हैं, तो आपका जो चैनल रहता है आपके
सर्च बार में आ जाता है। तो ये होता है गाइस अपना कीवर्ड का फ़ायदा। आई होप गाइस आप सभी को समझ आया होगा कि मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं पहले शॉर्ट शॉर्ट करके नेम लिखा था, उसके बाद यहाँ पे फुल एक साथ में नेम लिख दिया, ऑल सोशल ट्रिक भी लिख दिया। तो मतलब जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन आप ऐसे अपने ही चैनल पे अपना बना के लिख सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे हिंदी टाइप भी करना चाहते हो, जैसे कि ऑल सोशल ट्रिक, तो आप यहाँ पे हिंदी पे भी टाइप ज़रूर कर देना, यानी कि इंग्लिश में तो आपका मिल जाएगा, चलो ठीक है मिल जा रहा है, और हिंदी पे भी क्या होता है जब सर्च करते हैं लोग तो नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कीवर्ड जो है अपना सेट ज़रूर कर लेना, यानी हिंदी पे भी सेट कर लेना। उसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे इतना शेव कर लिया है, उसके बाद सिंपली करना क्या है, थोड़ा सा और साइड में जाना है, यहाँ पे देख सकते हो शेव का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली गाइस आपको यहाँ से कर लेना है शेव। ये हो गया हमारा कीवर्ड शेव, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद गाइस करना क्या है, आपका जो ये सर्च बार है ये आपका 24 घंटे में आपका यहाँ से अपडेट हो जाएगा। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।